अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर इनडेफिनिटनेस। फ्यूचर जैसा कि आप जानते हैं, मुस्तकबिल के बारे में बात करना, फ्यूचर के हवाले से बात करना, इसको मुस्तकबिल कहते हैं। इसके उर्दू में पहचान क्या है? ऐसे उर्दू के सेंटेंसेस जिनके आखिर में गा गे घी आएगा, वो क्या होगा? फ्यूचर इनडेफिनिटनेस। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? दो हैं, विल और शैल। आमतौर पर शैल जो है वो आई वी के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब देखिए, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स, वो आएंगे, ये आखिर में आ रहा है, इसका मतलब दे विल कम। विल इज शोइंग दैट दिस इज फ्यूचर इन डेफिनेट टेंस। वो खाना नहीं खाएंगे नेगेटिव सेंटेंस है, और साथ में ये हमें बता रहा है दैट इट इज पर्टिकुलरली फ्यूचर इन डेफिनेट टेंस। तो दे विल नॉट ईट फूड, क्या वो बाजार जाएगा? विल ही गो टू बाजार, क्या वो नहीं खेल, क्या मैं नहीं खेलूंगा? शैल आई नॉट प्ले, शैल इसलिए लगाया क्योंकि मैं हूँ। तो हमने यहाँ पे देखा था कि आई वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं।